हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज मैं फिर से लेके आया आपके लिए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल, जैसे टाइम हमारे लिए सिर्फ तभी तक रुक सकता है जब हम किसी तरह से लाइट की स्पीड अचीव कर ले, मगर क्या आपको ये पता है कि अगर आपने समय को भी रोक दिया तो आप इमीडिएटली अंधे हो जाओगे, यानी टेक्निकली आप इस थमे हुए समय को, टाइम को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे। ऊपर से स्पीड ऑफ लाइट अचीव करते ही आपकी बॉडी हार्मफुल रेडिएशन एमिट करने लगेगी जो ग्रीन कलर की दिखाई देगी। जस्ट किडिंग, हमारी आंखें एक्चुअली रेडिएशंस को देख ही नहीं सकती क्योंकि वो विजिबल रेंज में नहीं आते। अगर विजिबल रेंज में आते तो उसे विजिबल लाइट कहा जाता है। पर फिर ये हॉलीवुड वाले हर रेडियो एक्टिव चीज को हरा क्यों दिखाते हैं? Well, इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब हमारी बॉडी खुद एक लिविंग फॉसिल है तो हम हमारे एवोल्यूशन के क्लूज, यानी हम विकसित कैसे हुए हैं इतने सालों में, उसको अंदर ही क्यों नहीं खोजते हैं? क्या आपको ये पता है कि आपके बॉडी में कुछ ऐसे अंग मौजूद है जो ये साफ साफ बता देंगे प्रूफ के साथ कि आपका एवोल्यूशन हुआ है? और फिर आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो कि क्या उन्हें ये पता था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस गेट ऑन विद आवर टुडेस आस्क जीएसएफ एपिसोड। तो आज का हमारा पहला सवाल यह है कि हाउ आर बैंक्स एबल टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा मनी इन रिटर्न व्हेन यू इन्वेस्ट इन देयर एफडीज। अब भाई लोग, बैंक्स ओरिजिनली पेशे से मनी लेंडर्स होते हैं, यानी वो लोगों को ब्याज पर पैसा देकर उसी से अपनी तिजोरियां भरते हैं। बट एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि जब किसी बैंक में कोई एफडी खोलता है, यू नो, आप में से बहुत से लोग खोलते रहेंगे, मैं पर्सनली खुद खोलता हूं, तो एफडी का टेन्योर खत्म होने पर आपको अपने डिपॉजिट किए हुए पैसे के ऊपर कुछ परसेंटेज ऑफ मनी बढ़ा के लौटाया जाता है, जो कि एक तरीके से आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन ये आखिर वो क्यों करते हैं, कैसा कर पाते हैं? क्योंकि आपका पैसा तो वहां पे जमा था, राइट? तो वो पैसा ग्रो कैसे हुआ? रखे रखे पैसा कभी बढ़ता है क्या? वेल, एक्चुअली में वो बस समझ लो बैंक की एक चाल होती है मछली को जाल में फंसाने की। ओरिजिनली वो तो आपके पैसे से ही खुद के लिए भी पैसे कमाते हैं, लेकिन कैसे? वेल, कोई भी बैंक अलग अलग लोगों को एक सर्टेन परसेंटेज प्रॉफिट का लालच देकर अपने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाता है, और ऐसे लोगों को वो डिपॉजिटर्स कहते हैं। इन डिपॉजिटर्स से आए हुए पैसे फिर जाते हैं जरूरतमंद लोगों के पास जो इस बैंक में लोन मांगने के लिए आए होते हैं। मतलब आपके पैसे को वहां से घुमा दिया जाता है और लोन मांगने वाले लोगों को दिया जाता है। अब जब इंसान लोन लेता है तो उसको मंथली इंस्टॉलमेंट में कुछ परसेंट ब्याज का देना पड़ता है, जो हमेशा उस ब्याज से बहुत ज्यादा होता है जो बैंक्स डिपॉजिटर्स को देती है। यानी सिंपली कहूं तो जब बैंक लोगों का पैसा इस्तेमाल करती है तब वो लोगों को कम प्रॉफिट देती है, अराउंड 2.5 से 6%, पर जब लोग बैंक से लोन लेते हैं तो उनसे ज्यादा ब्याज लेती है, 8% से 30% तक। याने आपके पैसे का सारा कंट्रोल बैंक्स के हाथ में होता है, और यही वो तरीका है जिससे बैंक मैक्सिमम कमाती है। इनफैक्ट अगर लोन मांगने वाले नहीं भी है ना, तो भी बैंक उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देती है, और स्टॉक मार्केट में जैसे आपको पता है एक डिसेंट इन्वेस्टमेंट फर्म भी 15% मिनिमम पर ईयर रिटर्न तो ले ही लेगी। और आपको कितना मिला? 2.5% से 6%। सो बाकी का 9% मिनिमम गया बैंक के पास, वो भी आपके पैसे से बैंक ने कमा के लिया। सो एज यू कैन सी, इन एनी केस बैंक का लॉस नहीं होता, उसका फायदा ही फायदा होता है। सो मेरे हिसाब से एफडी में पैसा इन्वेस्ट करना इज अ बिग नो नो, क्योंकि आपको सबसे कम रिटर्न मिल रहा है, और वही लोग यूजुअली इन्वेस्ट करते हैं जिन्हें सुपर हाई गारंटी या रिलायबिलिटी चाहिए होती है पैसों को लेकर। पर यहीं पर आजकल बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, और उनमें से सबसे अच्छा पोटेंशियल रखने वाले क्रिप्टो करेंसीज है। क्रिप्टो करेंसीज का कोई देश नहीं होता, कोई सरकार नहीं होती, कोई बैंक या कोई भी कितना भी चाहे इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, और इसका आरओआई तो भाई इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। मान लो अगर आपने 2016 में सिर्फ 10,000 रुपए के इथेरियम कॉइन्स खरीदे होते, आज 5 साल बाद उसकी वैल्यू 38.7 लाख रुपीज होती। इसे आप इसकी आरओआई का अंदाजा लगा सकते हो। और इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने पैसों को लॉन्ग टर्म के लिए काम पे लगाना चाहते हो और चाहते हो कि आपका पैसा खुद आपको और पैसा कमा के दे, तो बैंक्स में लगाना छोड़ दो। स्टार्ट रिसर्चिंग ऑन क्रिप्टो करेंसीज एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन इट। और क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग आप शुरू कर रहे हो तो उसके लिए मैं बस आपको एक ही ऐप रिकमेंड करूंगा, जो है कॉइनस्विच कुबेर ऐप, जो इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। इसमें KYC होता है, यानी कि अगर आप ट्रेडिंग भी करोगे तो आपको पूरी जेन्युइन पार्टी ही मिलेगी जिसका पूरा बैकग्राउंड चेक होगा। इसके अलावा इस ऐप में 100 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज है, जैसे बिटकॉइन और इथेरियम, और इसे यूज करना इतना ईजी है जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो। अगर आपके पैसे की वैल्यू बढ़ जाती है, आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाते हो, तो आप उसे इंस्टेंटली 24 आवर्स के अंदर विदड्रॉ कर सकते हो विद फुल प्रॉफिट। और सबसे मजे की बात तो यह है कि इसमें आपको एक पूरा क्रिप्टो करेंसी खरीदने की जरूरत नहीं है, इसमें आप 100 रुपए से भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। इनफैक्ट अगर नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे आप क्लिक करोगे ना, तो आपको 50 रुपीज वर्थ ऑफ बिटकॉइन तो ऐसे ही फ्री मिल जाएगा।
जिसे इन्वेस्ट करके आप क्रिप्टो करेंसी में रिसर्च करना शुरू कर सकते हो, आप ट्रेडिंग भी सीखना स्टार्ट कर सकते हो, और जैसे जैसे आपका स्किल बढ़ते जाएगा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। ये काफी अच्छा स्किल हो सकता है जो आपको घर पे बैठे अच्छा पैसा कमाने में हेल्प कर सकता है, बट इसमें रिसर्च इन्वॉल्व होता है। आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में पैसे नहीं लगाओ, आप पहले खुद रिसर्च करो, जैसे आप कंपनी पे रिसर्च करते हो जब आप उनके स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करते हो कि उस क्रिप्टो करेंसी के पीछे टेक्नोलॉजी क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, आगे भविष्य में उस टेक्नोलॉजी को कितना यूज किया जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इस तरीके से आप भी फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाओगे और मेक श्योर कर पाओगे आपके पैसे की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ रही है समय के हिसाब से। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद CoinSwitch कुबेर। खैर, अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हाउ स्टॉपिंग टाइम कैन एक्चुअली मेक यू ब्लाइंड। इमेजिन करो, आज आपकी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ डेट है, आप जल्दी से तैयार होकर बस घर से निकल ही रहे हो, तभी आपकी नजर दीवार पर टंगी उस घड़ी पर पड़ती है। ओह शिट, डेट तो शाम 7 बजे की थी एंड इट इज ऑलरेडी 6:55 PM। आई नो, ऐसे समय में जो सबसे पहला ख्याल आपके दिमाग में आएगा ना, एज्यूमिंग यू केयर अबाउट योर फर्स्ट इम्प्रेशन, वो ये है कि काश यार मैं किसी तरीके से समय को रोक पाता ताकि मैं समय पे वहाँ पे पहुंच जाऊँ। पर वेट, आप कुछ भूल रहे हो, ये आपकी इमेजिनेशन वाली दुनिया जो है ना, ये एक्चुअली में अगर सच साबित हो गई ना तो आप खुद ही पछताओगे, और मैं बताता हूँ कैसे। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें आप अगर समय को रोक सकते हो तो सबसे पहले तो आप अंधे और बहरे हो जाओगे, और अल्टीमेटली भगवान को प्यारे। देखो, चौंकने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आप समय को रोकोगे इस यूनिवर्स में मौजूद सभी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और अन्य पार्टिकल्स जहां है वहीं पर ही थम जाएंगे, यानी टेक्निकली हवा, पानी, जीव जंतु सब कुछ थम जाएगा। आपको लग रहा होगा कि ये तो अच्छी बात है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो भाई, लेट्स से कि आपके पास कोई ऐसा डिवाइस है जिससे बाकी सब कुछ पॉज हो गया लेकिन आप खुद पॉज होने से बच गए, तो सबसे पहले तो आपका अपने घर से निकलकर अपने क्रश तक पहुंचना ही आसान नहीं होगा, क्योंकि समय के रुकने के साथ सारी चीजें थम गई है। फोटॉन्स जिससे लाइट बनी होती है वो भी थम गई है, और चीजों पर से रिफ्लेक्ट होके ये फोटॉन्स हमारी आंखों तक नहीं पहुंचने वाली, और इस वजह से हर जगह पर अंधेरा छा जाएगा। सिमिलरली साउंड भी हवा में मौजूद मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की वजह से ट्रैवल करता है, और इसीलिए जब सब कुछ थम गया है तो हवा कैसे साउंड वेव्स को ट्रांसमिट कर पाएगी? मतलब इन शॉर्ट, आप अंधे और बहरे हो जाओगे। बट यू नो व्हाट, आपकी परेशानियां सिर्फ यहीं पर नहीं रुकेगी। अगर मान लेते हैं कि आपको सब कुछ दिखाई भी दे रहा है, तब भी उस रेस्टोरेंट तक पहुंचना आपके लिए माउंट एवरेस्ट चढ़ने जितना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा क्यों? वेल, मैं बताता हूं ना क्यों। देखो, हम जब यूजुअली चलते हैं या किसी भी तरह की मूवमेंट करते हैं तो उस मूवमेंट के रास्ते में आने वाले सारे एयर पार्टिकल्स हमारे रास्ते से साइड हट जाते हैं। पर अगर आपने टाइम रोक के सभी पार्टिकल्स को पॉज कर दिया तो आपको एक सिंपल सा कदम आगे बढ़ाने में भी कई गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऊपर से इतनी मेहनत करने के बाद जब आपकी हाफती हुई बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो जरा बताओ, ये थमे हुए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अपने आप आपके फेफड़ों में पंप कैसे करेंगे? वेल, आई थिंक इससे पहले कि आपकी सांस थम जाए, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है व्हाई आर रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स ऑलवेज शोन ग्रीन इन मूवीज। क्या हमारे साथ स्कैम होता है? साल 1951 में द एक्शन कॉमिक्स इशू 161, वो पहली ऐसी सुपरमैन कॉमिक थी जिसमें सुपरमैन के लिए घातक बताए जाने वाले रेडियोएक्टिव क्रिस्टल क्रिप्टोनाइट को हरा बताया गया था, जब कि उसके पहले उसे लाल दिखाया जाता था। ऊपर से डीसी तो डीसी, मार्वल भी हर बार रेडियोएक्टिव चीजों को दिखाने के लिए हमेशा हरे रंग का इस्तेमाल करता है, जैसे कि हल्क जो रेडियोएक्टिव गामा रेडिएशन एब्जॉर्ब करके हरे भरे मेंढक की तरह हर जगह उछलता कूदता रहता है। तो जब भी रेडियोएक्टिव मटेरियल्स या रेडिएशन की बात निकलती है तो ये हॉलीवुड वाले उसे हरे रंग का ही क्यों दिखाते हैं? तो यार, साल 1903 में फ्रेंच फिजिसिस्ट पियर क्यूरी, हेनरी बेक्वेरल और मैरी क्यूरी को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था उनके रेडियोएक्टिव के फील्ड में एक्सटेंसिव रिसर्च और नए रेडियोएक्टिव एलिमेंट रेडियम को खोजने की वजह से। मगर जैसे ये नया एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल का हिस्सा बना, कुछ अमेरिकन कंपनियों ने उसके रेडियोएक्टिविटी के चलते उसे अलग अलग चीजों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्हीं में से एक थी US रेडियम कॉर्पोरेशन, जिसने वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ने वाले US सोल्जर्स के लिए रेडियम पेंटेड घड़ियां बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। उनकी फैक्ट्री में एक ऐसा पेंट बनाया जाता था जिसमें रेडियम और उसके साथ फॉस्फर्स नाम के कुछ फ्लोरोसेंट कंपाउंड्स ऐड किए जाते थे। अब
मैं पहले ही आपको बता दूं, ये एलिमेंट ओरिजिनल फास्फोरस नहीं है, ये बेसिकली जिंक सल्फाइड होता है जिसमें हरे रंग के लिए सिल्वर या कॉपर को ऐड किया जाता है एज इम्प्योरिटीज। जब रेडियम अपने रेडियो एक्टिविटी के चलते हार्मफुल अल्फा पार्टिकल्स को बाहर फेंकता है, वो फास्फोर के मॉलिक्यूल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को किसी कैरम के स्ट्राइकर की तरह जोर से हिट करता है और इससे उन अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांसफर हो जाती है और वो हायर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लगती है, जिसे एक्साइटेशन कहते हैं। जब ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स कुछ देर तक हायर ऑर्बिट में चक्कर लगाने के बाद वापस अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में लौट आते हैं, तो जो एनर्जी उन्होंने पहले एब्जॉर्ब की थी वो उसे वापस बाहर फेंकने लगती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लोइंग ग्रीन लाइट। और इसीलिए ये पेंट जैसे ही बनकर तैयार होता था, करीब 300 से भी ज्यादा औरतें इस रेडियो एक्टिव पेंट से घड़ियों के डायल को एक बारीक पेंट ब्रश से पेंट किया करती थी। इस बात से अनजान कि ये चमकदार सा दिखने वाला पेंट असल में कुछ ही सालों में उनको तड़पा तड़पा के मारने वाला है। रेडियम गर्ल्स के नाम से फेमस है ये औरतें। अपने पेंट ब्रश को हर कुछ समय बाद ताव देने के लिए अपने होंठ और जुबान का इस्तेमाल करती, जिससे पहली औरत की तो मौत से जस्ट पहले उसका जबड़ा ही नीचे गिर गया था। और फ्रॉम 1920s टू 1960s उस फैक्ट्री में काम करने वाली कितनी ही औरतें बोन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों के चलते चल बसी। रेडियम गर्ल्स की दर्दनाक कहानियां जब पूरे अमेरिका और बाकी देशों तक फैलने लगी, तब कॉमिक बुक्स और मूवीज रेडियो एक्टिविटी को दिखाने के लिए हरे रंग का इस्तेमाल करने लगे ताकि लोग उससे इमीडिएटली रिलेट कर सके। अब वैसे तो 1970s के बाद घड़ियों और टॉयज में रेडियम का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद हो चुका है, पर अब भी उस हरे हॉरर रंग का दाग लोगों के दिमाग से पूरी तरह से मिटा नहीं है और ना ही मिटे हैं हमारे एवोल्यूशन के अनगिनत सबूत। What are the proofs of evolution that are still present in our body? क्या आपके पास है इस सवाल का जवाब? साल 1959 में चार्ल्स डार्विन ने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था The Origin of Species। ये वही बुक थी जिसमें डार्विन ने पहली बार थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का जिक्र किया था। इस थियरी के अनुसार ह्यूमंस भी नेचर में हो रहे चेंजेस के चलते बंदरों से इंसानों में तब्दील हुए, और इस बात को प्रूफ करने के लिए आज हमारे पास अनगिनत फॉसिल्स मौजूद है। पर क्या हमें इन प्रूफ्स के लिए सच में जमीन को खोदने की जरूरत है, जबकि हम खुद ही एक तरह से लिविंग फॉसिल है, राइट? हम जब अपनी व्रिस्ट को खुद की तरफ मोड़ते हैं और साथ ही अपने पिंकी फिंगर से अंगूठे को टच करते हैं, तो कुछ लोगों को व्रिस्ट के सेंटर में एक मसल दिखाई पड़ता है जिसे हम पैल्मेरिस लॉन्गस कहते हैं। ये मसल बेसिकली हमारे पेड़ों पर झूलने वाले एंसेस्टर्स को स्ट्रॉन्ग ग्रिप प्रोवाइड करता था। अब वैसे तो आज के समय में इसके होने ना होने से आज सच हमारी ग्रिप की स्ट्रेंथ पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, पर अपने पूर्वजों की तावीज अपने कलाइयों में पहनकर घूमना साउंड्स कूल, राइट? बट ये इकलौता ऐसा बॉडी पार्ट नहीं है जो हमें अपने पास से कनेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी टेल बोन, जिसे हम कॉकिक्स भी कहते हैं, जो इस बात का सबूत है कि हमारी भी कभी पूंछ हुआ करती थी। और फिर हमारे ईयर मसल्स, उन्हें कौन बोल सकता है। हमारे कान के इर्द गिर्द मौजूद तीन ईयर मसल्स, ऑरिक्यूलरिस एंटीरियर, सुपीरियर और पोस्टीरियर, जानवरों की ही तरह हमें कानों को मोड़कर आवाज की दिशा का पता लगाने में मदद किया करती थी। और जब उस आवाज का पीछा करके किसी हिरन का शिकार किया जाता था, तो उसके कच्चे मांस को पचाने के लिए हमारे पास था अपेंडिक्स, जो इस काम के लिए कुछ एडिशनल डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस किया करता था, पर आज वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की गोद में वेल्ला पड़ा रहता है। खैर, उस अपेंडिक्स का तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर वेल्ले दिमाग को काम देने के लिए मेरे पास आपके लिए है एक सिंपल सा सवाल। हमारे दांतों के थर्ड सेट ऑफ मोलार्स को हम विजडम टीथ क्यों कहते हैं? क्या आपके पास है इसका जवाब? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते दोस्तों, कॉइन स्विच कुबेर को एक बार चेकआउट बिल्कुल करना, मेरा फेवरेट क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ऐप है। अगर आप फ्यूचर के क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो क्लिक ऑन द लिंक बिलो और 50 rupees का आपको बिटकॉइन फ्री मिलेगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट बाय साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबा लो, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हमेशा रेगुलरली देखने मिलने वाला है, जो आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा और क्यूरियोसिटी को भी। With that said, see you in another video. Take care. Goodbye. Jai Hind.